टुडे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह जी के बारे में। आज 28 सितंबर है, आज ही के दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं भगत सिंह जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इनके नाम और कार्यों से हर व्यक्ति भलीभांति परिचित है। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 तथा मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी। यह एक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की थी। इन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके अन्य दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार के थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारतीय आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बने। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने उद्विग्न हुए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस समय का उद्देश्य सेवा त्याग और पीड़ा झेल रह सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 27 दिसंबर 1926 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में सभागार सांसद भवन में 8 अप्रैल 1921 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुँचे थे। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छेड़ने के बाद हुए गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके और क्रांतिकारी के हिंसक आंदोलनों में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं ने भगत सिंह को इतना अधिक उद्दीत किया कि उन्होंने 1926 में अपनी पार्टी नवजान भारत का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर लिया और उसका एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1926 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा नहीं गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे वो खराब हो गई हो।
गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद DAV स्कूल की चार दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1926 को करीब 4:15 बजे ASP सैंडर्स की आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधा उसके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश को बढ़े। इसके बाद भगत सिंह ने 3 से 4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि अचानक एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आज़ाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मारते थे तथा कार्लमार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस ने शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वसर्वा थे तब तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेज को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इनमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मत से भगत सिंह तथा वटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 अप्रैल 1921 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया था। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो, अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज और निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इससे कुछ ही देर में पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारधारा व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अध्ययन लगातार जारी रखा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारधारा का दर्पण है। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया था। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब बात करते हैं भगत सिंह को होने वाली फांसी के बारे में। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दें। भगत सिंह की इस फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर भी 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की। यह सब भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए।
23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथियों सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और वह उन्हें वह पूरी जीवनी पढ़ने का समय दे दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी गई तो उनकी फांसी का वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा था कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लें। फिर एक मिनट बाद किताब को छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वो तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, जिसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद इन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए, इससे डरकर अंग्रेज ने इनकी लाश को अजले टुकड़े में सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तो उन्होंने उनके मर शरीर के टुकड़े को एकत्रित किया और विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किए, और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने गांधी जी का स्वागत काले झंडे से किया। ऐसा माना जाता है कि एक या दो स्थानों पर गांधी जी पर हमला भी हुआ था, लेकिन सादी वर्दी में उनके साथ चलने वाली पुलिस ने उन्हें बचा लिया था। अगर भगत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में जाना जाए तो उनके लिखे खतों और लेखों से उनके विचारों का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उन्होंने भारतीय समाज में लिखी पंजाबी की गुरुमुखी व शाहमुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आए दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना किसी अंग्रेज द्वारा किए गए भारतीयों पर अत्याचार था। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने वटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्गृत हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने के से शायद ना हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका बहुत ही बखूबी तरीके से पालन किया था। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे गए एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं। उस पत्र में उन्होंने 4 लाइनें खास लिखी थी। उन्होंने यह लिखा था कि उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज ये जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इम्तहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चर्क का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मिलकर मुकाबला करें। चंद्रशेखर से पहले मुलाकात के समय ही उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रख के कसम खाई थी कि उनकी ज़िंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी कसम पूरी की थी। किसी ने सच कहा था, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्सों पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। अगर हम भगत सिंह के ख्याति और सम्मान के बारे में बात करें तो उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून और न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर ना थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। दक्षिण भारत में पेरियर ने उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ पर अपने साप्ताहिक पत्र कुड़ई आरसू के 22 से 29 मार्च 1931 के अंक में तमिल में संपादकीय लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई थी तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया था।
आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित कर दी थी। तो यह था भगत सिंह के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल। अगर आर्टिकल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो आर्टिकल। जय हिंद।